नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में समझते हैं व्रत के बारे में, अर्थात व्रत शब्द का तात्पर्य क्या है और व्रत का मायने क्या है। व्रतों के प्रभाव से मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, बुद्धि विचार चतुराई या ज्ञान तंतु विकसित होते हैं, अंतःस्थल में ईश्वर के प्रति भक्ति श्रद्धा और तल्लीनता का संचार होता है, व्यापार व्यवसाय कला कौशल शास्त्रों का अनुसंधान और व्यवहार दक्षता का सफल संपादन उत्साहपूर्वक किया जाता है, जिससे सुखमय दीर्घ जीवन के आरोग्य साधनों का स्वतः संचय हो जाता है। व्रत शब्द का तात्पर्य क्या है यह जान लेना भी आवश्यक है। व्रत को कर्म कहा गया है, अर्थात जिससे स्वर्ग में गमन हो या स्वर्ग का वरण हो, इस अर्थ में व्रत शब्द की निरुक्ति होती है। वैदिक साहित्य में व्रत का अर्थ वेद बोधित इष्ट प्रापक कर्म है। दार्शनिक शब्दों में अमरकोश में व्रत का अर्थ नियम है। पुराणों में व्रत धर्म का वाचक है। निष्कर्ष यह है कि वेद बोधित अग्निहोत्र आदि कर्म, शास्त्र विहित नियम आदि अथवा साधारण या असाधारण धर्म को ही व्रत कहते हैं। संक्षेप में जिस कर्म द्वारा भगवान का सानिध्य होता है वही व्रत है। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।